अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैं बहुत दिनों से रेसिपी नहीं डाली हूँ, तो मैंने सोची आज तुम लोगों को मेरी अम्मी की रेसिपी बनाकर बताऊंगी। और मेरी अम्मी की रेसिपी में है, आज मैं जो बना रही हूँ वो है ठेसेला गोश्त। तो मेरे पास तो ठेसने वाला तो है नहीं, तो मैं झटपट वाला काम जो हमारा होता है मिक्सर वाला, तो मैं मिक्सर के अंदर उसको पीसूंगी और टमाटर को मैं कूट लूंगी, तो मैं सब बताऊंगी आप लोग को। तो आ जाओ मेरे साथ। तो देखो, यहाँ पर मैंने ना ये अदरक लहसुन मेरे पास में जो रमजान में मैंने पीसी थी ना, तो जब बताई थी तो जब से अभी तक चल रहा था तो खत्म हो गया, तो मैंने पीस के इसमें डाल ली सब, तो थोड़ा सा बचा था तो इसी में मैंने रखी। और मैं भी इसमें डाल रही हूँ ये गोश्त, मैंने धोकर रखी हूँ, बिना हड्डी का गोश्त ली हूँ, ठीक है, मटन। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 4 हरी मिर्ची, कुछ भी नहीं डालने का इसमें, एकदम सिंपल सिंपल है। गोश्त डाल रही, गोश्त पूरा नहीं आएगा शायद से। अरे मैं इसको एकदम मतलब ज्यादा बारीक नहीं करूंगी, इसको थोड़ा दरदराई पीसूंगी, क्योंकि इसको कूटते हैं मेरी अम्मी जो है ना, इसको कूट के बनाते हैं और इतना टेस्टी मेरी अम्मी बनाते हैं ना। ट्राई करती हूँ, मेरी अम्मी को बोली तो मेरी अम्मी बोले कि मिक्सर में वैसा नहीं बनेगा, जो कूटने वाला रहता है उसका जो टेस्ट है ना वो अलग आता है। तो अभी वो कुटने वाला मैं लेके आऊंगी, कब मालूम है, जब मैं अजमेर जाऊंगी ना, तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो अजमेर जाऊंगी जब लेकर आऊंगी। और अभी मैं पीस के बना रही हूँ। देखो, इसको मैंने पीस ली हूँ, पीसी हूँ मतलब ज्यादा बारीक भी नहीं की हूँ मैंने, ये थोड़ा सा मोटा मोटा ही है पर वो मुझे ही दिख रहा है। और मैं इसको कुकर वगैरह में नहीं लगाऊंगी, इसको मैं सिंपल टोप में ही बनाऊंगी। तो मैंने अभी मेरी अम्मी को कॉल भी की थी, मैंने बोली अम्मी मेरे से ऐसा बनता नहीं है, तो मेरी अम्मी वही बोले तो जब तक कुटके नहीं बनाएगी नहीं बनेगा, फिर भी तो अभी ऐसा बना ले, मैं अभी जाऊंगी तो लेके रहूंगी, तो मेरी अम्मी भी वो चीज़ गाँव से लेकर आए, तो मेरी अम्मी मेरे लिए लाएंगे, उनके पहले तो मैं जाऊंगी अजमेर, तो मैं ले लूंगी, ठीक है। तो चलो फिर देख बता। इसमें तेल डाली हूँ और तेल को ना गर्म अच्छे से कर ली, और इसमें कांदा वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं, एकदम सिंपल स्टाइल में है, लेकिन इतना टेस्टी लगता है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी जाती हूँ मेरी अम्मी मेरे लिए बना के रखते हैं, मैंने बोली इसकी रेसिपी मैं तुम लोग के साथ में शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत जन को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, बहुत जन ने मेरे को कमेंट भी किए दीदी आपकी रेसिपी बहुत सिंपल और एकदम टेस्टी होती है। तो ये मैंने सिर्फ एक बार में जो पीसी हुई वो गोश है, अभी मैं और एक बार में पीसूंगी, तो मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट टोक में डाली हूँ, तो मैं तुम लोग को बताऊंगी। अरे दूसरे ट्रिप का जो गोश है वो भी पीसने जा रही हूँ मैं, जब तक ये भीगता रहेगा, जब तक इसको पीस के लेकर आती हूँ। मेरे ऐसे ही काम रहते भाई, मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ, हम इसको मोटा मोटा पीसते हैं। देखो, अभी ये भी गोश्त मैंने पीस के लेके आई, पहले तो सिर्फ मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाल के पीसी थी, ठीक है, और अभी फिर मैंने वापिस थोड़ा सा गोश्त जो थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना भी बड़ा जार नहीं है मेरे पास में, ये जो मिक्सर का आप लोगों को पता है मेरे पास बहुत बड़े बड़े जार है इसके, लेकिन मैंने बोली अभी वो अंदर मैंने रख दी रमजान के बाद में उठा के, तो मैंने सोची कि इसमें ही अदरक लहसुन मैंने पीसी थी, तो मैंने सोची इसी में पीस लूँ गोश्त को भी, क्योंकि अब वो बना ही रही थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी मेरे को रोटी भी बनाने का फिर टाइम तो पता है तुम लोगों को तो लग ही जाता है, क्योंकि इसके साथ में रोटी खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बात करते करते मैं गैस लो रह गया, तो ये भूनता रहेगा। और देखो, यहाँ पर मैंने ली हूँ 2 टमाटर, क्योंकि कांदा वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डालते हैं मेरे अम्मी, तो सिर्फ टमाटर डालते हैं मेरे अम्मी, वो टमाटर को भी वो ना अखाई क्या बोलते हैं, अखाई को ऐसा हाथ से तोड़ते हैं मेरे अम्मी, और वो जो कुटनी होती है उसमें डाल के ना, पत्थर का वो इतना बड़ा है पत्थर का, तो उसमें मेरी अम्मी भारी करते हैं, लेकिन अभी वो फिर मेरे पास है नहीं, फिर से बोल रही है नहीं, तो अब मैं इसको ग्लास में, मेरे पास कुटनी है, मैं उसमें दूसरी वाली कुटनी है जर्मन की उसमें बता। तो देखो, ये वाली कुटनी है मेरे पास, ये मेरे सास मद्रास गए थे ना जब लेकर आए थे, तो जब से मैं एकदम संभाल के रखी हूँ। और अब मैं इसमें टमाटर, क्योंकि इसमें गोश्त तो मैं कूटती तो नहीं होता था, ठीक है, फिर टमाटर कूटूंगी इसमें मैं, तो थोड़ा थोड़ा टमाटर डाल के मैं कूटती हूँ, क्योंकि ठेसेले गोश्त को ठेसी तो नहीं हूँ, तो लेकिन टमाटर मेरी मम्मी बोले कि ठेस के लेना, तो उससे टेस्टी बनेगा, तो हल्का हल्का, ज्यादा पूरा नहीं बारीक कर रही हूँ इसको, मैं सिर्फ ऐसा हल्का हल्का सा मार के ले रही हूँ मतलब। बाकी हाँ, इसके बाद में फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को, एकदम सिंपल वाली रेसिपी है ये, बस मैंने इसको एकदम हल्का हल्का सा कुटी हूँ, अब मैं इसको डाल रही हूँ
डायरेक्ट, और जो बचा है अभी फिर उसको भी कूटूंगी। देखो अब मैं टमाटर को कूट रही हूँ, एकदम भी ज्यादा कूट कूट के मत कूटना, थोड़ा बहुत ही कूटना जैसा मैंने बताई हूँ, इससे थोड़ा टेस्टी बनेगा ना, क्योंकि गोश्त तो मैंने फेसिंग डायरेक्ट डायरेक्ट वाला काम की हूँ मैंने। हाँ तो इसमें अभी सिर्फ और दो नहीं तीन चीज मैं डालूंगी, जो कि मिर्ची की बुकी, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, बस और कुछ भी नहीं। फिर गरम मसाला ये सब हम लोग नहीं डालते, और ये रोटी के साथ खाओ, जवारी की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, मतलब जो भी जिसके भी साथ खाना खा सकते, बहुत टेस्टी बनता है। और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाली अभी तक। तो देखो मैंने टमाटर डाली, थोड़ा सा भूनी हूँ इसको, और माशाल्लाह सही में बहुत इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखो मैंने इसके साथ में ली हूँ लाल मिर्ची, नमक और हल्दी और दरदरी कुटी हुई मिर्ची, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और बाकी गरम मसाला वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं इसमें, मतलब मैं नहीं, यानी मेरी अम्मी जैसा बनाते वैसा बना रही हूँ मैं। देखो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि हम लोग इसके साथ में रोटी खाएंगे, और मैंने दोपहर में बनाई थी कढ़ी, तो कढ़ी में मैंने भजिया वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, मेरे लिए बनाई थी, इसके लिए भजिया वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि इमरान नहीं खाते और फारिया भी थोड़ा थोड़ा सा ही खाती है, फारिया कढ़ी नहीं खाती, उसको इतनी पसंद नहीं है। अभी इसके लिए लोग के लिए मैं गोश्त बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी और थोड़ा सा चावल बनाऊंगी, क्योंकि चावल इतना को चाहिए रहता है, और मुझे भी, हम लोग को चावल लगता ही लगता है, लेकिन अब मैं जिम जाऊंगी तो क्या मालूम मैं चावल के बिना कैसा रहूंगी। दोपहर में मैं खाऊंगी थोड़ा बहुत, तो मैंने वैसे मना किए, लेकिन खाऊंगी, कुछ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चावल खाना चाहिए। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बोलूं मैं तुम लोगों, पर मेरी अम्मी जैसा बनाते वैसी तो नहीं आ रही यार। और देखो अभी आटा रखी हूँ मैं गुनने के लिए, तो चलो फिर मैं फटाफट आटा गुन लूं। तो देखो अभी यहाँ पर मेरा आटा भी गुन गया और मेरी रोटी भी बनना चालू हो गई। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दी थी, चावल भी बन रहे, और ये देखो मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाली थी, और आधे ग्लास में ही जब से बना रही थी, और ये बाकी ऐसे ही भुन रहा है, तो इसको मैंने रखी हूँ भुनने के लिए ही, जब तक वो अच्छे से पके। और यहाँ पर थोड़ी सी रोटी बना ली हूँ मैंने सूखी, जो कि मैं तेल वाली नहीं खाऊंगी, तो मैंने अपने लिए सूखी बनाई हूँ सबसे पहले, और दूसरी रोटी मेरी यहाँ पर बन रही है। और तुम लोग एक बात मैं बताती हूँ, तेल वाली, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरी बहन लोग बोलते हैं रोटी तो बहुत अच्छी बनाती है, तो रोटी क्यों अच्छी बनाती है अभी मैं बताती हूँ। मेरे को मेरे घर वाले लोग हैं ना, मतलब मैं पहले से ही झगड़ालू थी, बहुत झगड़े करती थी मैं, तो मेरे ना एरिया वाले, मतलब मेरे अब्बा अम्मी मेरे को बहुत मार मार के, लोग तंग आ चुके थे, तो लोग सोचते थे इसको क्या करेंगे हम लोग, तो मार तो नहीं सकते, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मार तो नहीं सकते, क्योंकि मैं कितना भी मार खा लूं मेरे घर वाले लोग का ना, तो मैं सुधरती नहीं थी। तो ऐसी बात है, तो फिर मेरे अब्बा को किसी ने बोला था बच्चे को हॉस्टल में डाल दे तू, सबसे बेस्ट, वहां से वो अच्छी बन के निकलेगी, आलिमा बन के निकलेगी बोल के, तो मेरे को पढ़ने डाले थे वहां पर, तो मैं वहां पर जब मेरे को पढ़, हाँ तो मैं वो बता रही थी कि मैं मदरसे में थी, हाँ मैं उर्दू मीडियम से पढ़ने के लिए, मतलब मेरे को डाले थे उर्दू, मैं उर्दू पढ़ूंगी, तो मुझे माशाल्लाह उर्दू भी अच्छी खासी आती है, तो मेरे को रोटी बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैं जाकर वहां पर बैठी थी और आंटी लोग के हाथ में रोटी बनाती थी, तो वहां से मैं रोटी बनाना सीखी हूँ। और गोल 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 मेरी रोटी, देखो ऐसे तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन रोटी फूलती ये सब वहीं से सीखी मैं, बैठ के देखती थी लोग कैसे बना रहे, क्या बना रहे, और मतलब मेरे को बहुत पहले से ही शौक है खाना बनाने का, तो लेकिन अम्मी के ही जैसा बनाती हूँ, अम्मी के पास से सीखी, तो अम्मी की रेसिपी पूरी बनाऊंगी ना। फिर यहाँ पर आई, थोड़ा मेरी सास का स्टाइल में भी सीखी, और बाकी तो मैं बैंगलोर की हूँ ना, मैं भी बैंगलोर की हूँ ना, तो मैं वो बोलते ना, क्या बोलते, हिट यानी कि मुद्दे बोलते हैं रागी के मुद्दे, तो वो सब मैं बनाती हूँ, चार बनाती हूँ, रसम बनाती हूँ, हर चीज बनाती हूँ, मुद्दे ये सब तो मालूम रहेगा कौन से, जो मुझे मद्रास या बैंगलोर या वहां से देख रहे, उन लोगों को बराबर मालूम रहेगा, बहुत जन को नहीं मालूम, और जल्दी इंशाल्लाह बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरी फेवरेट चीज है, मेरे घर पे हमेशा बनता ही है, मेरी अम्मी बनाते हैं क्योंकि मेरे अब्बा को लगता है, जवारी की रोटी ये वो पूरा गाउडी स्टाइल में खाना बनता है मेरे घर पे, ऐसा है। तो मैंने अपनी स्टोरी बताई,
तो सुन ली आप लोग ने स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरी बात, अभी मैं बहुत जल्दी, देखो इंशाल्लाह अगर कल हो गया तो मैं कल जाऊंगी भाऊ का धक्का मच्छी लाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिन से ना मच्छी खाने का मन कर रहा है और हम लोग को जाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल या वहाँ इजना के दांत का भी मैंने बताई थी उसका भी ट्रीटमेंट चालू था, तो उसकी वजह से भी जाना पड़ रहा था। तो देखो अगर कल हो गया है तो कल मैं भाव का धक्का जाऊंगी, तो उसका भी वीडियो बना के डालूंगी छोटा मोटा जैसा भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है बहुत ज्यादा गर्म, तो जल्दी जल्दी बना के भागने के चक्कर में हूँ मैं बाहर। और वीडियो बनाने के टाइम है ना कम से कम तीन तीन घंटा पकड़ ही लो, 3 घंटा चला जाता है। इसके लिए मैं आज जल्दी किचन में घुसती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि नहीं तो आधे घंटे के अंदर सब रेडी हो जाता है मेरा। और देख रहे हो आप लोग, देखो मेरी हालत देखो क्या हो चुकी है। चलो कोई नहीं, तुम लोग को अच्छा लगता है, तुम लोग बोलते हो ना मुझे रेसिपी देने, तो मुझे भी इतनी खुशी होती है कि तुम लोग को मेरी रेसिपी पसंद आ रही, तो खुशी खुशी से मैं डालती हूँ, तुम लोग के लिए सब मुझे चलता है, ठीक है। और लव यू, तुम लोग इतना मुझे प्यार देते हो उसके लिए, जो मुझे पसंद करता है, जो मेरी वीडियोस देखता है, जिसको मैं पसंद हूँ उसके लिए मैं ये प्लैंकिस था, ठीक है। और जो नहीं भी पसंद करता उसके लिए भी लव यू यार, प्यार कर, तुम लोग आज नहीं कल मेरे से प्यार करेंगे मुझे तो पता है। तो चलो फिर आज के लिए, अभी नहीं मतलब आज के लिए इतना ही था, यानी इतना ही था, अभी इसका मैं बाद में जब हम लोग खाने तो नहीं बैठेंगे, जब मैं फारे को ये बच्चे को खाना दूंगी तो आप लोग से मिलते, ठीक है। चलो तो देखो ये मेरा ठेसे वाला गोश्त रेडी हो गया है, और ये मैंने बताई थी दोपहर में जो मैंने कढ़ी बनाई थी, और ये है कढ़ी चावल के साथ में, चावल खाने के लिए ये है, इसके साथ में खाने ठेसे वाले गोश्त के साथ में, और इतना टेस्टी बना है मैं क्या बताऊँ। तो जिसको भी अगर ट्राई करना रहेगा मेरी रेसिपी, जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा, ठीक है। तो ये फारिया की थाली रेडी हो चुकी है, मैं जा रही इसको देने के लिए, तो मैं चलो तुम लोगों को बता दूं एक बार, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह इसके बाद में फिर मेरे को कुछ याद आएगा फिर मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।